माशाल्लाह तबीयत है माशाल्लाह बड़ी कमबख्त है तू अभी भी मस्त है तू वल्लाह वल्लाह अदाए अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? से उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो अभी 2:30 बज रहा है और आज ईद का दिन है, तो ईद बहुत बहुत मुबारक हो मेरे पूरे परिवार की तरफ से और मेरे तरफ से भी। और ये रहे मेरा बेटा हमजा। हमजा सलाम कर। अस्सलाम वालेकुम। और ईद मुबारक। ईद मुबारक आप सभी को। और हमजा ने ये वाला येलो टी शर्ट और ये ट्राउजर टाइप का पैंट शूज पहना है। और मैं अभी दिखाती हूँ मेरे घर में। हाय करो, हाय करो। रुको, अरे नाम बताओ। मेरा नाम सुहाना है। और मेरा नाम रहीम, जिसको मोदी बोलते हैं। मोदी प्याज। मेरा नाम खुशी। और ये कायना मेरी जोया, देखो एक जैसी दिख रहे, दिखाओ। ये मेरा भाई। और मेकअप भी इतने अच्छे अच्छे करे। बाय करो। और फैजान हमेशा की तरह मुंह लटका के है अपनी बुआ के साथ। मेरे को देखो क्या है। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक आप सबको जितने भी है, ठीक है। बजन बोलो बेटा, ईद मुबारक। ईद मुबारक बोलो। ईद मुबारक हो सबको। और सबसे ज्यादा सुंदर फैजान लग रहा है, तेरे साथ मैच हो रहा है। और कायना भी आ गई है हमारे घर, पिछले व्लॉग में नहीं थी कायना। कायना मजा आ रहा है। जुड़वा पहने हम दोनों। हाँ जुड़वा जैसी लग रही है, अभी बुलाती हूँ फिर से। क्या लेके जा रहे हो? पैसे। तो सारे बच्चे बाहर जा रहे हैं घूमने। हम दोनों जुड़वा लेंगे। सुनो के पोछा लगा मांगे ईद के हम। पोछा भी बोलती है मम्मा। सबको सबको सब प्यारे मुसलमानों तुम्हें ईद मुबारक। हाँ बुआ जा रही, जाओ 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 जाओ, घर में रह जाओगे। तो सारे बच्चे बच्चे बाहर चले गए क्योंकि अभी धूप इतना है, पार्क वारक में जा नहीं सकते, इसीलिए मैगडी चले गए, कुछ खा पी लेंगे। और अभी कोई आए नहीं हमारे घर। और मैंने रात को मेहंदी लगाई ना, वो पीला पीला हो गया, लगाई नहीं क्योंकि मैंने धो लिया था। इसके अलावा लेट हो गया था बहुत, और अभी इतना सारा काम पड़ा इसलिए मैं बाहर नहीं गई। जनम को बोला मैं सारा काम ख़त्म कर लूँगी जब तक वो आएंगे। जैसे कि मैंने ये चिकन पानी में डाला है क्योंकि ये डीप फ्रिज में था तो बर्फ़ बन गया। और यहाँ सेवैयाँ बना है, ये रहे। बस बच्चे बच्चे खाए हैं और सब ऐसे ही पड़ा है। और अभी मैं जाऊँगी नमाज पढ़ूँगी पहले, फिर मैं चेंज वेंज करूंगी बाद में, क्योंकि नमाज पढ़ने में मुझे इतना लेट हो गया अभी 2:30 बजे। तो दोपहर के बाद मैं अभी ब्लॉग शूट करूँ क्योंकि बीच का मैं शूट नहीं करी, तो मैं अभी टाइम तो बताऊंगी नहीं बाद में। उस वक्त जो मैंने ब्लॉग शूट करा था उसके बाद मैं नमाज पढ़ने गई थी, फिर नहाई थी, तो बच्चे लोग भी शाम को आए थे। शाम को थोड़ी देर बाद ही आए थे, उसके बाद मैं काम में लग गई थी, जैसे कि खाना बनाना। और फिर मेहमान आ गए थे तो बच्चों में मैं लग गई थी। खाने में तो मैंने आज चिकन ही बनाया था, जैनब पुलाव बनाई माहिरा। और देख ये देखिए आप। हाय करो, हाय ऐसे करो, ऐसे करो। करो करो ये बाप। यहाँ मैंने जन्म ने बनाई थी जीरे वाला पुलाव, और यहाँ बनाया था मैंने चिकन। तो मैंने एकदम गांव में जैसे मम्मी बनाती थी ना, ऐसी आज बनाई हूँ। और यहाँ मैं दिखाती हूँ। ए हाय करो, चलो। अच्छा मैं दिखा तो बहुत जलता ही। जल कुकड़ा कहीं का। अभी देख रहा मायरा को। मायरा मायरा हाय करो, हाय। वो जो है ना, वो बहुत बड़ा दुश्मन है इस घर का। तू तेरे बारे में बात कर रही हूँ, मासूम। मेरे तरफ क्यों देख रही है डायन? कैमरा भी फ्लिप हो रहा है।
अजीबोगरीब बच्चा पैदा हुआ है। मा, मा, मार। पिछली बार मैंने इसके साथ ब्लॉग बना, मना क्यों कर रही है? तब मैंने इसको गंजा करा था। हाँ हाँ, तब मैंने इसको मायरा में जब नेक्स्ट टाइम ब्लॉग बनाया था आलू लेना है, तब पूरे बाल गायब कर दिए थे मैंने इसके, अभी तक नहीं। क्या है, क्या है वो खाना है? ऐसे ऐसे कर दे बाय बाय बहुत मजा आया मार के, घर जा रहा है। अभी अभी खाना खा रहा था, ठूस रहा था ना थोड़ी देर पहले, ये अब घर जा रहा है। मायरा मैं नीचे जाती हूँ। बाय बाय, वो तो टेम्परेरी था। बाय करो, अब मैं अनाथ हो गई, तुम सब जा रहे हो। बाय बेटी। तो मेरे ये भैया लोग जो आए थे अपनी फैमिली लेकर फिर जा रहे हैं, फिर आने वाले, दफा हो जाओ दफा हो जाओ दफा हो जाओ। तो ये लोग आए थे दोपहर को, अब खाना पीना खा के अभी चले गए। अब घर में कौन कौन है? तो ये मिठाई मासूम लाया था, क्या क्या लाया मैंने खोल के भी नहीं देखा, रंग बिरंग की मिठाई है जनाब। अच्छा है ना, न्यू मिठाई क्या? आज हमारा ईद ऐसा था, हर साल तो जैनब रहती थी, आज जैनब बच्चा लोग को लेकर घुमाने चले गए तो मैं घर में रह गई क्योंकि खाना बनाना था। सिर्फ सालन ही बनाया मैंने, है ना जैनब? और ये मिठाई था, वो दो कमीना भाई दे कर गए थे बस। नहीं तो आज मैंने ये वाला सूट पहना था, ब्लैक एंड वाइट, और जैनब वाइट कलर का पहने। ये वाला सूट पहने, मैं खड़े होकर दिखाती हूँ। ये रहा मामी जी का सूट, मामी जी ने 3 बार फिटिंग करी है। अरे ढीला था, इसलिए ढीला था ना, तो इतनी मोटी लग रही थी, तो मैंने ये वाला सूट आज पहना है। मतलब कॉटन का इतना अच्छा लग रहा है, और ये इनका प्लाजो है। अच्छा मामी जी पतली नहीं लग रही है? अरे आस्तीन भी सही है, ये ऊपर भी आ जाता है, मधु करते समय ये ऊपर आ जाता है। और ये कितना घूमे, थोड़ा सा मैंने शूट नहीं करा था ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, अच्छा है लेकिन कंफर्टेबल है। कहाँ से खरीदा मामी जी? लंदन से। तो अभी रात के 10 बज गया है और सब खाना पीना खा के चले गए, और हम भी जा रहे हैं, हम लोग भी जा रहे हैं क्योंकि सुबह के जगह हुए हैं। तो अब मैं सोऊंगी क्योंकि मैं सुबह 6 बजे आई थी मेहंदी लगा के, ये देखें। अच्छा सर, अच्छा नहीं ना ईशा, पर 2-3 दिन में तो वैसे ही ये छूट जाएगा। और अभी मेरे लिए खाना थोड़ा सा ख़त्म हो गया था, तो जनाब फिर से बना रही है, मैं दिखा देती हूँ। हमारा चावल है फिनिश हो गया है, तो यहाँ थोड़ा सा चावल छौंक लेते हैं, और इधर मैं चाय बना रही हूँ सबके लिए। और बर्तन फिर से इतना इकट्ठा हो गया क्योंकि मेरे किचन का बर्तन ही नहीं फिनिश होता है। नानी भी आ गई है, खाना पीना खा लिया है, और हम भी जा रहे हैं, थकावट हो रही थोड़ा सा, तो वीडियो को यहीं एड करते हैं। मुझे पता आज की वीडियो थोड़ी सी मुझसे ऊपर नीचे हो गया है, तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करना, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता देना। चैनल को लाइक और नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। बाय, अल्लाह।